हेलो ग्रुप ने एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। जो ईएसबी मतलब जो एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड जो भोपाल में जो वैकेंसी निकली थी, अगर आप देखने आपने अगर भरी है तो ग्रुप टू और उसका जिसका सब ग्रुप थ्री, अगर आपने इस ग्रुप वाली पोस्ट नोटिफिकेशन में अगर आपने भरा हो तो उसका रिजल्ट आ चुका है। उसको चेक करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है या फिर रोल नंबर डालना है, इन दोनों में से एक कुछ डाल दें, डेट ऑफ बर्थ डालना है और टीएससी कोड और यहाँ पे कैप्चा कोड डाला है। अब बहुत लोग दिमाग में ये टीएससी कोड क्या है, देखो सिंपल सी मैंने एडमिट कार्ड में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ये तो रिजल्ट है, ठीक है ये रहा एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक डाल देना, टीएससी कोड आपके एडमिट कार्ड में ही लिखा है, ये यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ कुछ अल्फाबेट होंगे और अल्फा नंबर के दोनों डिजिट है, तो ये डाल देना और अपना जो पेपर पेपर कोड तो इसमें पूछा ही नहीं गया, ठीक है वो डाल देना और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सर्च कर देना। जैसे ही आप सर्च करोगे वैसे ही आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाए, सॉरी रिजल्ट खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके का। आपने जितनी भी पोस्टें भरी होंगी, जैसे कि दो पोस्टें भरी थी ई और एफ में, 90 और 20 पोस्टें थी टोटल, तो ठीक है तो उसमें आ जाएगा कि जैसे क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड, ठीक है तो वो चीज़ आपकी लिखी जाएंगी और इस पेज को आप प्रिंट कर सकते हो। इस प्रिंट वाले बटन पर टैप करोगे वैसे ही ये प्रिंट भी हो जाएगा, तो बस। और अपनी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो ही होंगी, यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, तो बस इस तरीके से अपना रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए फटाफट रिजल्ट डाउनलोड करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।